हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल्स। तो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिवर्सली मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बीम इन सिविल इंजीनियरिंग। हर जगह सुन रहे होगे कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत से इस पर जॉब निकल रही है क्या ये? तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में कुछ वैल्यू एड करता है क्या? फुल कॉन्सेप्ट डिस्कशन आज करेंगे, फुल इसका ऑपरेशन कर देंगे कि भाई इसके फायदे क्या है, ठीक है, नुकसान भी है क्या, पता कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी। वीडियो को शुरू करने से पहले कई लोग वेट कर रहे थे कि दिवाली का सर ऑफर कब आएगा, तो भाई दिवाली का ऑफर आज से आ गया है। आपको कोड यूज करना है, सॉरी कोड बोल रहा हूँ मैं, कोड यूज करना है हैप्पी दिवाली, ठीक है। आप दिवाली के ऑफर पे कंप्लीट बीम का भी कोर्स, ऑल इन वन कोर्स, सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो 50% ऑफ पे, एक्स्ट्रा ऑफ। ये शायद अभी नेक्स्ट फेस्टिवल तो सीधे होली है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी है। 10 दिन का महा ऑफर लगा दिया है, आप लोग अपना यूज कर लो। और इसमें मैं एक सजेशन भी देना चाहूँगा, जो लोग स्ट्रक्चर में डेडिकेटेड है करियर बनाने के लिए, या फिर खुद का ऑफिस डालने का प्लानिंग में है स्ट्रक्चर बेस, तो वो लोग ऑल इन वन कोर्स करिएगा। और जो लोग अपना चाहते हैं कि मुझे मॉडलिंग और बीम में करियर बनाना है, वो बीम वाले कोर्स को डेडिकेट करिएगा, तो आपका बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं जी। तो बीम है क्या भाई? बीम इन द सेंस कि जो भी चीज ऑन साइट आप करने वाले हो, जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करने वाले हो, पेपर वर्क करने वाले हो, प्लानिंग करने वाले हो, ऑन साइट जो भी चीज तुम बनाने वाले हो, उसको पहले लैपटॉप के थ्रू, मतलब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है आपके पास, उसके माध्यम से फुल चेकअप कर लेना, फुल बना के देख लेना कि कैसे कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। अब इसके यहां का वीडियो का टॉपिक क्या है कि एडवांटेज क्या है? तो भाई इसका एडवांटेज ये है कि सिविल इंजीनियरिंग का जो काम है बहुत ही कॉस्टली होता है। 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन जब आप करते हो तो अप्रॉक्स 14 से 15 लाख रुपए लग जाते हैं। अब 15 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट के लिए लग रहा है, सोचो कि 1 एकड़ का अगर कंस्ट्रक्शन करना होगा तो क्या होगा, कितने 100 करोड़ लग सकते हैं, ठीक है। तो अब जब इतने पैसे हमको लगाना है तो पहले उसकी जांच परख तो करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है या फिर कुछ भी करना है तो पहले जांच परख तो जरूरी है। तो बीम के माध्यम से आप वर्चुअली देख सकते हो कि पूरा वर्क कैसा बन के दिखेगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, सीधे सीधी बात है कि कल को मुझे कंपनी अगर खोलनी है तो मेरे पास इतने 100 करोड़ एक साथ कहां से आ जाएंगे? तो मेरे जो क्लाइंट आएंगे, जो फ्लैट खरीदने वाले आएंगे, उनको मुझे पहले दिखाना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली हम क्या बनाने वाले हैं। अब आपने एक प्लान ले आया पेपर पे बना के, उनको दे दिया भाई ये बनाने वाले हैं, उनको लगे कि पता नहीं कैसे बनाएंगे ये लोग, सही बनाएंगे कि नहीं। और अगर आप फेमस बिल्डर नहीं हैं तो फिर वो आप पे विश्वास नहीं करने वाले हैं। अब क्या करें फिर? तो फिर आप उनको एक अच्छा सा बी मॉडल दिखा सकते हो। बी मॉडल में एक पूरा कंप्लीट वॉक थ्रू, एक बढ़िया सा मॉडलिंग करके दिखा दो, उनको ऐसा फील करा दो कि आप अपने फ्लैट में बैठे हो और आपको कैसा रियलाइज हो रहा है आप फील कर लो। ये बहुत सी कंपनियां कर रही हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन पहले जॉय विला का वीडियो डाला था, सेम वहां पर भी बीम मॉडल यूज करें। जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं लगभग सारे ही अभी बीम मॉडल, इवन सारी सिविल इंजीनियरिंग की कंपनी अप्रॉक्स बीम मॉडल को यूज करने लगी। ब्रिज वाले भी, बीम वाले तो कर ही रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग वालों को स्पेशली वो है ही। तो ये बहुत काम की चीज है जिसके माध्यम से हम गलतियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मुझे अपना एक एलिवेशन तैयार करना है, एलिवेशन मैंने देख लिया यार मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, मैं अभी तुमको बोल दूंगा यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम अगर मान लो बी मॉडल दे रहे हो, ठीक है, तो मैंने बता दिया कि भाई यार ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम बोलोगे कोई बात नहीं सर, 2 मिनट में हम बदल देंगे, चेंज करोगे कलर, चेंज करोगे डिजाइन, चेंज करोगे वापस। लेकिन यही चीज अगर तुम ऑन साइट कर लेते, फिर मैं बोलता कि यार ये मुझे ना ये पोर्शन अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे तरफ देखते उसके बाद एक बार तो बड़े अच्छे से, चलो ठीक है सर है तो मना नहीं करेंगे, हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बार जब मैं बोलूंगा यार ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम बोलोगे सर मैं काम ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके बजट में ही नहीं आएगा 2 बार एक एलिवेशन को तोड़ के दोबारा बनाना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा मॉडल बन चुका है, अब आप जब घर में रहने लगे तो पूरे घर में स्मेल आ रही है, क्यों? क्योंकि आपने अपने वॉशरूम के लिए सही तरीके से वेंटिलेशन का ही इंतजाम नहीं कर पाया था, प्लानिंग के टाइम पे ये सोचा ही नहीं, मतलब जब बनने लगा तो सोचा ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास 3D व्यू है तो आप देख सकते हो कि यार ये वॉशरूम है, तो वॉशरूम का वेंटिलेशन कहां से दे रहे हो, कितना क्लियर हुआ ना। तो ये फायदे होते हैं। कभी कभी देखते हो किचन लोग ऐसे क्या करते हैं, किचन अंदर की तरफ बना देते हैं, जैसे किचन में खाना बनना स्टार्ट हुआ पूरे घर में हीट फैलने लगता है, किचन का सही डायरेक्शन का पता ही नहीं रहता है। तो ये सब जब तुम कंस्ट्रक्शन कर लोगे तब रिजल्ट देखोगे तो बड़ा ही तुमको बुरा लगेगा। और प्लस तुम जिस
अगर तुम परचेस करो तो जिस बिल्डर से परचेस कर रहे हो उसका तुम फीडबैक खराब करोगे, तुम यही बोलोगे कि यार ये अच्छा नहीं है, मतलब ये मुझे जो उन्होंने दिया हुआ है ये फ्लैट अच्छा नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम बी मॉडल बना लें, बी मॉडल बना के क्लाइंट को भी दिखा दें कि देखो आपका ये ड्राइंग रूम ऐसा रहेगा, ये रूम ऐसा रहेगा, ये रूम ऐसा रहेगा, वॉशरूम ऐसा रहेगा, किचन ऐसा रहेगा, क्लाइंट भी हैप्पी है, क्लाइंट आपको करेक्शन भी बता सकता है कि भाई मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, अभी आपको कुछ गया नहीं है, आप 2 मिनट के अंदर चेंज कर सकते हो उसको। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बीम, मतलब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ कर देना। ये डिवाइड होता है एलओडीज में, एलओडी 100, एलओडी 200, एलओडी 300, एलओडी 350, एलओडी 400, एलओडी 500। अभी हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, हम लोग इन द सेंस अपना बी मॉडल का कॉन्सेप्ट यहां तक पहुंचा है, आगे हो सकता है कुछ और लेवल पे भी जा सकते हैं हम लोग। कैसे होते हैं ये एलओडीज, क्या होते हैं, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे एलओडीज, एलओडीज क्या होता है, 100 क्या होता है, प्री डिजाइन, एलओडी 100 मतलब प्री डिजाइन, मुझे क्या बनाना है, एक कॉलेज बनाना है, तो मैं गया आराम से देख क्या साइट, अच्छा ये है, अच्छा इसमें ये चीज अच्छा है, लाइट इधर से आ जाएगी, पानी इधर से आ जाएगा, वगैरह वगैरह, दिस इज कॉल्ड प्री डिजाइन। यहां पर सिविल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग्स हो जाएंगी। चलो अब होता है एलओडी 200, जिसके अंदर आता है सिस्टमैटिक प्लानिंग, जो आप लोग ऑटोकैड के अंदर करते हो, प्लानिंग करते हो ना ऑटोकैड के अंदर, तो ये प्लानिंग पूरा सिस्टमैटिक जो होता है वो ऑटोकैड के अंदर हो जाता है। चलिए जब प्लानिंग बन गया तो आप तुरंत ही चाहते हो कि यार ये दिखेगा कैसे, क्योंकि क्लाइंट को तो आइडिया नहीं लगता है कि प्लानिंग कैसे होगा, प्लस कई क्लाइंट ऐसे होंगे जो प्लान को रीड भी नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या चाहते हो इसका 3D बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड एलओडी 300। एलओडी 300 के अंदर पूरी मॉडलिंग करके दिखा दी जाती है कि देखो भाई ऐसा कॉलेज बनेगा और यहाँ पर बच्चे बैठेंगे, अभी बच्चे बैठने वाला यहाँ पर प्रोसेस नहीं है फिलहाल, एलओडी 300 में सिर्फ और सिर्फ मॉडल दिखाते हैं हम लोग। अब आता है एलओडी 350, ठीक है, एलओडी 300 के लिए वैसे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एलओडी 300 के लिए अलग अलग कंपनियां, कुछ कंपनियां रैबिट आर्टिक्चर यूज करती हैं, कुछ स्केचअप यूज करती हैं, कुछ 3ds मैक्स यूज करती हैं, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक यूज करेंगे, मैक्सिमम चांस रहता है। अब आता है एलओडी 350, भाई एलओडी 350 क्या होता है, एलओडी 350 में हम लोग सिस्टमैटिक जो हम लोगों ने मॉडल बनाया हुआ है उसकी डिटेलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कनेक्शंस, जैसे कनेक्शन कौन सा कॉलम बीम कहां से कनेक्शन दिखेगा, इसका रेनफोर्समेंट कैसे दिखेगा, ये पूरा सिस्टमैटिक जो डिटेलिंग्स होती है वो एलओडी 350 के अंदर करते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्ला, कुछ लोग यूज करते हैं रैबिट स्ट्रक्चर, कुछ लोग एडवांस स्टील, बट मैक्सिमम लोग किस में करते हैं, टेक्ला में करते हैं या फिर रैबिट स्ट्रक्चर में करते हैं, और उसके अंदर बीबीएस वगैरह सब कुछ आ जाता है इसी 350 के अंदर ही। फिर आता है एलओडी 400, अब ये कौन सी दवाई है, तो ये है कंस्ट्रक्शन एज बिल्ट। कंस्ट्रक्शन एज बिल्ट मतलब क्या होता है, कैसे बन के दिखेगा, मतलब कैसे कैसे स्टेज पर बनेगा, पहले फुटिंग बनेगी, आप लोग देखते हैं ना बड़ी ढेर सारी यूट्यूब अच्छे अच्छे लोग एनिमेशन वीडियो डालते हैं, फुटिंग आया, फिर कॉलम आया, फिर बीम आया, फिर स्लैब आया, फिर पैरापिट वॉल आया, फिर ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन हो गया। तो एक था कंस्ट्रक्शन एज बिल्ड था, कि मतलब कब कैसे कैसे बनेगा, पहले फुटिंग कब तक बन जाएगी, ये कॉलम कब तक बन जाएगा, उसके बाद बीम कब तक, स्लैब कब तक, ऐसे ऐसे ऐसे। तो टाइम के साथ आप देखना ध्यान से ऊपर, उसमें टाइम दिखाता रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये क्या था, जनवरी में कॉलम, फुटिंग, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हो गया एलओडी 400, अब एलओडी 500 क्या होता है, एलओडी 500 के अंदर दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन एज बिल्ट, सॉरी कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेज। कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेज मतलब कि कंप्लीट कैसा बन के दिखेगा, बन चुका है, उसके अंदर कुछ लोग वॉक कर रहे हैं तो वॉक कैसे करेंगे, और उसके अंदर पार्क जो होगा उस पार्क में लोग बैठेंगे तो कैसा दिखेगा, जो स्विमिंग पूल होगा स्विमिंग पूल में जब लोग वहां पर जाएंगे वहां पर तैरने के लिए तो कैसे वहां पर दिखेगा सब कुछ, ये पूरा सब कुछ ऐड कर दिया जाता है एनिमेशन माध्यम से, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं एलओडी 400 और 500 दोनों के लिए ही हम लोग यूज करते हैं नेविस वर्क को। किसको यूज करते हैं भाई, नेविस वर्क को। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है किसी भी बीम को पहुंचाने के लिए। तो आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो जनरली छोटी कंपनियां एलओडी 300 तक काम करती हैं, अगर उन्होंने बोला है, आपने देखा होगा आप लोगों ने जॉब रिक्वायरमेंट में लिखा रहता है अप टू एलओडी 300। अब आप सोचते हो ये क्या है, तो ये एलओडी 300 मतलब वो केवल मॉडलिंग तक का काम करते हैं, एलओडी 350 मतलब वो डिटेलिंग तक का काम करते हैं, एलओडी 400 का मतलब कि वो दिखाते हैं कि भाई कब क्या बन के आ जाएगा, जो कि नेविस वर्क के ऊपर यूज कर लेते हैं। एलओडी 500 अगर लिखा है तो हाईएस्ट लेवल की कंपनी होगी, सैलरी पैकेज भी दमदार होता है, मतलब धमाकेदार होता है,
और इसमें आपको कंप्लीट कैसे कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा, मतलब चाबी आपके हाथ में जब मिलेगी तो जब लोग उसके अंदर जाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो यहां से एलओडी 500 से डन होता है और यहां पर लगभग लगभग क्लाइंट की मंजूरी आ जाती है। और सबसे अच्छा इसका बेनिफिट पता है क्या होता है, किसी से बना लिया ना ये, अभी तुम जिसको जैसे दिखाते जाओगे ना लोग अपना फ्लैट बुक करते चले जाएंगे। अगर आप कल को खुद का फ्यूचर बनाना चाह रहे हो इस चीज में, बड़ा फायदा होता है एलओडी, मतलब इसका क्या बोलते हैं एनिमेशन का, वॉक थ्रू का और मॉडलिंग का। मैंने देखा तो मतलब मैं जब एक बार पहली बार देखा तो मुझे भी लगा यार मुझे भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना कि हम कैसे बैठेंगे, कैसे रहेंगे, हमारा किचन कैसे रहेगा और क्या बोलते हैं वगैरह वगैरह, हम पार्टी कैसे करेंगे, ये फुटबॉल खेलने का मैच है, ये यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे, यहाँ पर हॉकी खेलेंगे, जो भी चीज़ें हैं, हॉकी नहीं देते वैसे ज़्यादा लोग, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट एलओडीज होते हैं। और देखो इसके कितने फायदे हैं कि अगर कुछ भी चेंजिंग्स हैं तो अब इसी एलओडी में ही हम डिस्कस करके चेंज कर लेंगे भाई। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। जो अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हो तो उसमें क्या बोलते हैं एलओडी 350 में ही एमईपी का वर्क दिखाया जाता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग, जिसके लिए रैबिट एमईपी ज़्यादातर यूज करते हैं। और उसके में क्या, जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग क्या होती है क्लोज बिल्डिंग्स होती है ना, तो उसके अंदर वेंटिलेशन के लिए आपको डक्टिंग वगैरह यूज करते हैं, एक्सेलरेटर वगैरह यूज करते हैं, वो सब कुछ भी एलओडी 350 के अंदर आ जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर बात किया जाए बीम में तो। और भाई बीम को अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हो तो बीम का भी मैंने कंप्लीट कोर्स, लगभग मुझे लगता है 250 घंटे आपको लगेंगे, 200 घंटे आपका कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यूनिक सिविल ऐप पर डाल दिया है। उसके अंदर ऑटोकैड भी ऐड दिया है, रैबिट आर्टिचर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट एमईपी ऐड कर दिया है, उसके साथ आपका नेविस वर्क ऐड कर दिया है, स्केचअप ऐड कर दिया है, टेक्ला ऐड कर दिया है, 3ds मैक्स ऐड कर दिया है, मतलब कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है जो बीम के लिए जरूरी है। तो आप सब अभी दिवाली का बेनिफिट उठा सकते हो उसको, क्या बोलते हैं हैप्पी दिवाली कोड यूज करके जाना, फटाफट कर लेना, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। हाँ एक चीज और, बीम आगे कैसा रहेगा इंडिया में, तो बीम आगे इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। सोचो कि इतना बेनिफिट अगर जो एक बार बिल्डर ने यूज कर लिया तो भाई दूसरा वाला पता करेगा ना यार कि उसके इतने यूनिट कैसे सेल हो गए। आपको पता है कि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन में जब जाते हैं, हम लोग फ्लैट सेल करते हैं, तो वो कैसे होता है, यूनिट सेल होता है। तो एक ने देखा कि यार एक्स वाई जेड बिल्डर ने इतने यूनिट सेल कर लिया बिफोर कंस्ट्रक्शन। अब उसने पता किया वहाँ के मार्केटिंग वालों को, सब एक दूसरे से लाइनअप रहते हैं, ठीक है। तो अब उसने बताया कि सर उन्होंने ना बहुत अच्छा सा मॉडल बनाया था और एक उसका एक वॉक थ्रू बनाया था जिसके थ्रू बहुत लोगों ने इम्प्रेस होकर बुक कर लिया। अब ये वाला बिल्डर बोलेगा भाई मैं भी इस बार करूंगा, ये कर लिया। तीसरा वाला बोलेगा यार ये कैसे कर लिया, इतना छोटा बिल्डर इतना ज़्यादा रिवेन्यू इकट्ठा कर लिया बिफोर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें पता क्या रहता है, इसमें आपको टाइम की लिमिटेशन पता चल जाती है कि कब तक में हमारा काम हो जाएगा। तो ये भी रेरा के रूल जो आया हुआ है, रेरा के रूल में क्या है कि जिस दिन आपने पजेशन का डेट दिया है उस दिन आपको चाबी देनी पड़ेगी। अगर आप एक दिन भी लेट करेंगे तो आपको उनके पैसे का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। बिल्डर ने मान लो 100 लोगों को बोल दिया कि आज के दिन आपको पजेशन दूंगा और नहीं दे पाया, तो आपको पता है उसका 100 लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 20 लाख, 25 लाख, जो भी वो पे किए रहेंगे उस पर, तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अब बिल्डर क्या करते हैं, अब बिल्डर जो है वो प्रॉपर प्लान कर लेते हैं कि कितने दिन में बन जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें क्या घाटा, बिल्डर बोल दे कि 6 साल बाद देंगे आराम से बनाएं, तो भाई देखो अगर 6 साल बाद बिल्डर बोलेगा कि हम देंगे तो मैं हूं या फिर तुम हो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी में। हर कोई चाहता है कितना जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो टाइम फास्ट करके आपको काम करना पड़ेगा तभी आप एक सक्सेसफुल बिल्डर बनोगे। और प्लस फास्ट के साथ एक्यूरेसी भी रखनी चाहिए। तो इसके लिए बीम बहुत फेमस होने वाला है मार्केटिंग, मतलब कि इंडिया में। और साथ ही साथ ऑलरेडी बहुत से जैसे पुणे है और मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, गुड़गांव है, इन सब जगहों पर, नोएडा है, इन सब जगहों पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो बीम में आपको कैरियर अगर बनाते हो तो बहुत ही आपका उज्जवल कैरियर हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये उनके लिए अच्छा है जिनका माइंड क्रिएटिव है, ठीक है। गार्डन यहाँ पर बना दें, यहाँ पर सोलर पैनल्स लगा दें, यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाएं, ये जो क्रिएटिव माइंड है अगर ये आपके पास है तो इसमें करियर बनाओ। अगर ये आपका इसमें आपको मज़ा नहीं आता है, बिलीव करो इसमें आपको नहीं जाना चाहिए दोस्त, इसके लिए आपको जाना चाहिए स्ट्रक्चर में। और स्ट्रक्चर के लिए मैं दो ही चीज़ बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, डॉक्टर वीएल शाह सर की बुक और मेरा ऑल इन वन का कोर्स, दैट इज सफिशियंट फॉर स्ट्रक्चर। कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इंटरव्यू क्रैक करके आओगे इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, इतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है बट मुझे लगता है लोगों ने ऐसा फीडबैक दिया तो इसकी वजह से बन गया। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। होप आपको एलओडी समझ में आया होगा, एलओडी 0 से एलओडी 500 प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ
BIM in civil engineering समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जय हिंद, जय भारत। एंड आप लोगों ने जिसको भी जाना है ऐप पर जाके हैप्पी दिवाली कोड यूज करके 10 दिन तक आप अच्छा सा ऑफर यूज कर सकते हो। थैंक यू।